वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, 30 डेज पहले मैंने एक हेयर विटामिन ओजीवा हेयर विटामिन का ऑनेस्ट रिव्यू आपसे शेयर किया था, बट उस टाइम मैं इसे सिर्फ 30 कैप्सूल ही यूज़ की थी, इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एंड पर्सनल फीडबैक आपसे शेयर नहीं की थी उस वीडियो में। एंड मैं ये प्रॉमिस की थी कि जैसे ही मैं इसे कंप्लीट यूज़ कर लूँगी, दैट मीन्स 2 मंथ तक जैसे ही मैं यूज़ कर लूँगी, उसके बाद मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा एंड फीडबैक रहेगा वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी प्रोडक्ट का मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो हेयर विटामिन है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो ये कितना वर्क करता है, कितना वर्क नहीं करता है, इसके बारे में आपको इस वीडियो से पता चलेगा। तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा इससे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक करके ही जाना। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस विटामिन का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल फीडबैक है, उसे आपसे शेयर करने से पहले इसका जो ओवरव्यू है वो मैं आपको शेयर करती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, ये हेयर विटामिन है विथ DHT ब्लॉकर एंड ओमेगा 3। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, हमारे हेयर के लिए बहुत कमाल का चीज़ है। तो ये DHT ब्लॉकर एंड ओमेगा 3 कैसे वर्क करता है, अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें मैंने डीपली इस पर डिस्कस किया हुआ है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से मेरा पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। एंड इसमें मेंशन किया गया है फॉर बेटर हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल कंट्रोल। फ्रेंड्स, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है, बट ये कितना वर्क करता है ये आगे आपको पता चलेगा। एंड इसका इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, एंड इसमें हेयर विटामिन है, DHT ब्लॉकर है, ओमेगा 3 है। एंड फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है वो वेगन है, सोय फ्री है, नॉन प्रिजर्वेटिव है, नॉन GMO है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। सबसे मेन बात ये है कि ये ओजीवा हेयर विटामिन 100% प्लांट बेस्ड है, तो ये आपके हेयर के लिए पॉजिटिव इफेक्ट दिखाए या फिर ना दिखाए, बट आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है। बट फ्रेंड्स, अगर आप इसे ओवरडोज कंज्यूम करते हैं तो इससे आपको थोड़ा सा साइड इफेक्ट हो सकता है, तो इसलिए आपको डेली सिर्फ 1 कैप्सूल ही लेना है। पहले हम ये देखते हैं कि इसका प्राइस कितना है। फ्रेंड्स, इसका प्राइस है 899 रुपीज़, बट अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट पर ये मिल जाता है, एंड एक कंटेनर में आपको 60 कैप्सूल मिलेगा। एंड शॉपिंग साइज है वो है 2 कैप्सूल, दैट मीन्स एक दिन में आपको 2 कैप्सूल कंज्यूम करना होता है, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है। बट फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आपको डेली सिर्फ 1 कैप्सूल ही कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ओवरडोज हो गया तो हो सकता है कि आपको माइल्ड सा साइड इफेक्ट देखने को मिले। फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्रोडक्ट का डीप नॉलेज चाहिए तो आप मेरा उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, तभी आपको सारा चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये वर्क कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग से ही इसे 1 कैप्सूल ही लिया था, क्योंकि जब मैं स्किन विटामिन लेती थी, हेयर विटामिन नहीं, स्किन विटामिन जब मैं लेती थी तब स्टार्टिंग मैंने 2 कैप्सूल लेना स्टार्ट किया था, उससे मेरे पूरे शरीर पर छोटे छोटे से लाल लाल से दाने हो गए थे। तो इसलिए मैंने इसे जब स्टार्ट किया लेना तो मैं 1 कैप्सूल ही पर डे लेती थी, तो इससे मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। फ्रेंड्स, अगर मैं ऑनेस्टली आपसे शेयर करूँ तो जब मैं इसे स्टार्ट करी कंज्यूम करना, तो कुछ दिन तक मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, ना पॉजिटिव रिजल्ट मिला ना ही नेगेटिव रिजल्ट मिला। जैसा मेरा हेयर फॉल था वो एज इट इज ही रह गया, ऐसा नहीं हुआ कि इसे कंज्यूम करने के बाद मेरे हेयर फॉल एक्सेस हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, एज इट इज ही मेरा हेयर फॉल चल रहा था। एंड थक हार कर मैंने इसे कंज्यूम करना स्टॉप कर दिया, लगभग 10 डेज तक मैं इसे स्टॉप करके रखी। उसके बाद फ्रेंड्स, जब मैं इसे दोबारा से लेना स्टार्ट की तो लगभग 30 to 35 डेज के बाद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। पहले जब मैं कंघी करती थी तो बहुत सारे बाल मेरे कंघी पर आ जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होता है, लगभग 3 से 4 बाल उस टाइम आ रहे थे मेरे कंघी पर, तो अचानक से मैंने नोटिस किया। फिर मैंने रेगुलर में इसे यूज़ करना स्टार्ट की, एंड अभी ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एंड फ्रेंड्स, मेरे हेयर फॉल भी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब मैं जब बाल कंघी करती हूँ तो लगभग 2 से 3 बाल ही आते हैं, तो ये तो नॉर्मल सा बात ही हर किसी के आते हैं, चाहे आप कोई भी सप्लीमेंट ले लो, 2 से 3 बाल आपके गिरेंगे, ये नॉर्मल सा बात है। तो फ्रेंड्स, ये हेयर फॉल कंट्रोल सच में करता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये हेयर फॉल कंट्रोल नहीं करेगा। एंड अगर मैं हेयर ग्रोथ के बारे में बात करूं तो ये हेयर ग्रोथ भी करता है, बट फ्रेंड्स मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी कि 1 मंथ में ये कितना हेयर ग्रो कर पाएगा, क्योंकि जब मैंने इसे यूज़
करना स्टार्ट किया तो मैंने अपना हेयर का मेजरमेंट नहीं किया था, तो इसलिए मुझे ये नहीं पता है कि कितना इंच तक हेयर ग्रो कर देगा। एंड फ्रेंड्स, ये हेयर बिटवीन आपके स्कैल्प पर बेबी हेयर भी ग्रो करता है, तो अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको भी इस प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये मुझे सूट किया है अगर वैसे ही आपको भी सूट कर गया तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।